सुपौल जिले के सिबराही बाजार स्थित लखीचंद उच्च विद्यालय दरभंगा समर नाले के ठीक सामने लहरेसराय टावर चौक पर आज दो महीनों से हजारों लीटर पानी पाइपलाइन फट जाने के कारण प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। पानी के लिए लोग त्राही माह बचे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन के ठीक सामने जिला के टावर पर प्रतिदिन दो महीने से हजारों लीटर की बर्बादी हो रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा पीएचडी को फोन करके बताया गया, पर इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बता दें कि पानी मंदिर के एवं कुछ दुकान में भी कभी कभी फैल जाता है, जिसके कारण व्यवसाय पे भी असर पड़ता है। और टावर पर यहाँ पे लगभग हजारों लीटर पानी बर्बाद होते हैं, क्या कहेंगे? ये लगभग जो है एक महीना से यही हाल है, और डेली जो है जो टाइम होती है पानी का, वो पानी का टाइम जब ये नल वहाँ से लाइन आता है तो पानी का बर्बादी यहाँ से शुरू हो जाती है। पानी इतनी बर्बादी होती है जो लोग जो है आज के दिन में लोग पानी के लिए तरसता है और यहाँ जो है पानी बर्बाद हो रहा है, और लोग जो है जाना आना रहता है। एप्लीकेशन कई बार दिया गया है विभाग को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? इसमें तो आपको लापरवाही ये जो है आपको नल जो है नल विभाग का जो है जो लगाने वाले हैं उन्हीं का सबसे बड़ा जो है दोषी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सुभान हुआ। इसीलिए ना लिया है। पानी के लिए बचा हुआ है, और हमारे मोहल्ला में भी बाकरगंज में जो है जिस जगह पर रहते हैं जैसे टन हाउस के पास, पानी के लिए सब जगह टन लगा है, लेकिन वहाँ पर जो पानी का जरूरी है वहाँ पर टन नहीं लगा। यहाँ पानी जो बह रहा है, पानी बह रहा है तो यहाँ कोई यूज नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहा जाए? क्या इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है? तो हम नहीं। क्या नाम हुआ? यहाँ का अधिकारी का लापरवाही होगा, किसका होगा? क्या नाम हुआ? मेरा अशोक साहब। मचा हुआ है लेकिन पानी के लिए तहलका मचा हुआ है, और पीएचडी डिपार्टमेंट का यह लापरवाही है जो यहाँ प्रतिदिन दोनों टाइम सवेरे और शाम 10,000 लीटर के ऊपर पानी का बहाव हो रहा है पाइप फूटे रहने के कारण, जिसकी इत्तला हमने एसडीओ साहब को दिया, पीएचडी विभाग के एसडीओ साहब को दूरभाष पर 3 बार 4 बार दिया। उन्होंने कहा जो हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है। कल हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी इन्फॉर्मेशन किया, लेकिन उन्होंने भी अपना असमर्थता जताई। परसों हमने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है, उनसे आश्वासन मिला है जो हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यह तो है विभाग का हालत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप सरकार हुआ। दरभंगा वाणिज्य कर कार्यालय में वाणिज्य कर उपायुक्त सौरभ कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में जीएसटी R9 में आ रही समस्याओं के निदान हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वरीय अधिवक्ता, लेखापाल एवं व्यापारीगण ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, साथ ही कहा कि जीएसटी R9 में कुछ प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिसे रिटर्न भरने में कठिनाई हो रही है। वहीं वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने इस बातों को गौर से सुनने के बाद कहा कि आप अपनी समस्याओं को लिखित रूप में दें, जिससे मैं आपकी समस्याओं को आगे बढ़ा सकूं। आयुक्त कार्यालय दरभंगा अंचल में GSTR 9 वार्षिक विवरणी GST के अंतर्गत दाखिल करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में दरभंगा अंचल के CA, अधिवक्ता, लेखापाल एवं दरभंगा अंचल के पदाधिकारी, राज्यकर उपायुक्त श्री सुरेंद्र कुमार, राज्यकर सहायक आयुक्त श्री बलदेव चौधरी की उपस्थिति में कार्यशाला किया गया, और कार्यशाला में सारे अधिवक्ताओं और करदाताओं द्वारा जो भी GSTR 9 को दाखिल करने में आ रही कठिनाई को सामने लाया गया, उसको विमर्श कर
उनकी कठिनाई को दूर किया गया और कुछ कठिनाइयां जो टेक्निकल आ रही है उसको विभाग को भेजने के लिए आश्वस्त किया गया। कार्यशाला अच्छी रही और पुनः भविष्य में वार्षिक विवरणी दाखिल करने पर एक कार्यशाला आयोजित किया जाएगा और इससे सारे अधिवक्ताओं और लेखापाल को सुविधा होती है किस तरह विवरणी फाइल करें, विवरणी को दाखिल करें, करदाताओं को सहूलियत होती है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह राजकर, संयुक्त आयुक्त प्रभारी दरभंगा अंचल दरभंगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा आके और सर बहुत ही कोऑपरेटिव सर थे और उन्होंने पूरा बताया, सब अच्छे से बताया कि कैसे हम लोग को GSTR 9 भरना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोगों ने अपना शिकायत वहाँ दर्ज करा दिया है। सर ने बताया कि अभी आगे हम लोग को और ऐसे कार्यशाला करेंगे सर, और उसमें और आगे हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करके प्रॉपर उसका जो भी निवारण होगा वो करेंगे। अच्छा, दरभंगा के व्यवसायियों को रिटर्न भरने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही है जिस कारण उन्होंने वार्षिक विवरणी नहीं दाखिल किया और उनके विवरणी में बहुत प्रकार के अंतर है, क्या उसका समाधान होगा? जी सर, हम लोग उसी के रिगार्डिंग आज बैठे हुए थे, हम सब आदमी बैठे हुए थे और सर भी बोले हैं, सजेशन दिए हैं कि हम लोग एक ग्रुप बना के उनको लिख के दें अपना सारा कंप्लेंट कि 2A में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आगे हम लोग उस पर लिख के देने वाले हैं सर को और उसी पे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और सर बहुत ही जल्द हम लोग इस सबसे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या नाम हुआ? CA प्रशांत। बताया गया कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और आप लोग लिख करके जितना भी है, एडवोकेट हैं, CA हैं, कंसल्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, सारे लोग लिख करके दीजिए आप लोग, जो GSTN के पास हम लोग भेजेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। जिसके कारण है क्या कि GSTR 2A और 3B मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके चलते एनुअल फाइल नहीं हो रहा है। अगर एनुअल फाइल करते हैं तो गलत फाइल होगा। इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग बात किए हैं, मनीष के पदाधिकारी वगैरह सब कोई थे, उनके सामने बात हुई है, अपना प्रॉब्लम हम लोग रखे हैं, जो यहाँ से अपना जाएगा, इसके बाद उसका क्या सोल्यूशन निकलता है फिर फाइल होगा। क्या नाम हुआ? दयाशंकर मिश्रा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के परीक्षा विभाग में BA पार्ट सेकंड के छात्रों ने किया हंगामा। छात्रों ने बताया कि हम लोगों की हिंदी कंपोजिशन की परीक्षाएं रूटीन के हिसाब से 1 जून से होनी थी, लेकिन जब हम लोग परीक्षा देने गए तो बताया गया कि आप लोग की परीक्षा 17 मई को होगी, जिसके बाद छात्र काफ़ी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। छात्रों ने बताया कि हमारी परीक्षा 10 जून से पहले ली जाए और एग्जाम की तारीख हम लोगों को अभी बता दी जाए, लेकिन जब हम लोग परीक्षा की तारीख की मांग करते हैं तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों की परीक्षा की तारीख का पता चल जाएगा, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। भैया के साथ गए थे अंदर में, हम 5 दिन से दौड़ रहे हैं, मेरा एक फॉर्म है जिसका सिग्नेचर करवाना है DSW का, तो आप हमें तो बोला है भैया को कि आप ऐसे अलीगल काम कर रहे हैं, लीजिए साथ में फोटो लीजिए, आपको दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वही हम लोग बोले कि अभी 4 दिन से जब धरना चला है स्टाफ का, उस टाइम में तो अलाउ था ना कि हम आ सकते हैं, अभी उस वहाँ पे लगा नोटिस कि हम नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन 4 दिन से जब मेरा यहाँ पे धरना नहीं था, जब स्टाफ का धरना था, उस टाइम में मेरा काम क्यों नहीं हुआ? उस टाइम में तो मेरा गलती नहीं था, हम तो धरना पे नहीं बैठे हुए थे, हम 5 दिन से यहाँ पे घूम रहे बस एक सिग्नेचर के लिए, कभी इसका धरना है, कभी इसका धरना है, इनके भाई को धमकी दिया गया है, फोटो लेके इनको धमकी दिया गया है कि अगर ये सब जो कर रहा है उसके वजह से तुम लोग का टांगा टूटेगा। अभी एक स्टूडेंट आगे लगा है, अभी भी एक स्टूडेंट को मार लगा सर, अभी सर अभी मार भी लगा, एग्जाम छूट गया है जिसका हमको मांग करना है, जो कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो बताए ना, सोम या मंगलवार बोले हैं अभी, लेकिन कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। गलती किसका है जब कॉलेज में जाते तो
कॉलेज वाले प्रोफेसर लोग एक तारीख को है, जब यूनिवर्सिटी आते तुम लोग का एग्जाम हो गया, जाओ यहाँ से, क्या मतलब है समझे इसका? किसकी गलती है सर? दरअसल यूनिवर्सिटी की गलती है, यहाँ का गार्ड धमकाया जाता है सबका, ये लोग उल्टा पुल्टा करता है। क्या नाम है आपका? अमृता थाना में MRM कॉलेज से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में परीक्षा से वंचित BA सेकेंड ईयर के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक और प्रोडक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही वहीं इस बारे में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि किसी वजह से परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के भ्रम हुआ, बहुत से छात्र हिंदी की परीक्षा से वंचित रह गए। विश्वविद्यालय छात्रहित में कोई निर्णय जरूर लेगा, लेकिन अब जब तक परीक्षा बोर्ड और कुलपति का आदेश नहीं मिलता है तब तक दोबारा परीक्षा तिथि घोषणा नहीं हो सकती। आया है और सुबह से ही छात्र अपनी बात को रखने के लिए उताहुल है, जो उनकी परीक्षा छूट गई है इसकी व्यवस्था की जाए। मैं प्रति कुलपति से और कुलसचिव महोदय से बात की है मैंने, और प्रोफेसर साहब वाइस चांसलर से भी बात की है। अभी वाइस चांसलर साहब भी आ गए हैं, उनको भी स्थिति की जानकारी हम देंगे जाके। छात्रों की संख्या अधिक है और ये अभी तो दरभंगा के ही छात्र हैं, हो सकता है कि या कन्फ्यूजन या इस स्तर से हुआ हो। हमारा कार्यक्रम तो स्पष्ट है, उसमें नहीं मुझे कहीं कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन बच्चे हैं उनकी अपनी समझदारी, लेकिन मुझे यह थोड़ा पता लगता है कि ये बच्चे ऑलरेडी इसी तरह के परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर पार्ट वन कर चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो सामने है। हमारा प्रयास रहेगा कि छात्र हित में कोई ही फैसला होगा, और ये अंतिम फैसला जो है परीक्षा पुनः लेने की बात हो रही है। सैद्धांतिक तौर पर सभी सहमत ही है कि बच्चों का लॉस नहीं हो, यूपी परीक्षा हो जाए वो बेहतर है, लेकिन पूर्ण रूप से जब तक परीक्षा बोर्ड या माननीय कुलपति महोदय का आदेश नहीं मिल जाता है तब तक तिथि वगैरह की घोषणा नहीं की जा सकती। सर, जारी परीक्षा जो आपका प्रोग्राम है और बच्चों को जारी की गई है एडमिट कार्ड, उसमें अंतर है, यही बीवी की ओर से कहाँ कमी रह गई जो ये स्थिति उत्पन्न हो गया छात्रों को जो है परीक्षा से वंचित होना पड़ा? अंतर बहुत नहीं है उसको जो कही, उसमें कंपोजिशन लिखा हुआ है, कंपोजिशन हिंदी। कंपोजिशन हिंदी का अर्थ ही होता है कि वो जो बच्चे अनिवार्य रूप से विषय रखते हैं उसी का हुआ होगा। उसको यदि आप समझदारी से काम लिया जाता तो कहीं कन्फ्यूजन, वो एक फ्लो में लोग देखे जो हाँ हिंदी है। अब हिंदी ऑनर्स होता है, हिंदी कंपोजिशन अनिवार्य विषय भाषा साहित्य होता है 100 का, वही 50 का जो है मातृभाषा और वो हो जाता है और हिंदी, और पुनः सब्सिडियरी में भी हिंदी है। तो ये जो है तो उन बच्चों को कुछ अपनी समझदारी भी बढ़ानी होगी। सर ये है कि इन लोगों का कहना है कि कॉलेज से भी इन लोगों ने बार बार पूछा था, जब कॉलेज भी कन्फ्यूज है आपके कार्यक्रम पर, वो भी परीक्षा कार्यक्रम पर, वो भी छात्रों को सही जानकारी नहीं दे पाता है, तो फिर छात्र कहाँ से समझ पाएंगे? नहीं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन यह कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है कि कोई कॉलेज या किसी ने ऐसा लिखित दिया है। लिखित नहीं दिया, लेकिन कॉलेज मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूँ। आप कहाँ किससे पूछ लिया, उन्होंने कॉलेज के किस सदस्य की प्रधानाचार्य से पूछा, सबकी अपनी अपनी समझदारी भी होती है। अब किस स्तर से उनको गलत जानकारी हो गई, लेकिन हो गई नहीं, यदि गलत जानकारी हुई दी जाती तो ये समस्या नहीं आती। अब इसको तो अब डिफरेंट कॉलेज से बहुत सारे स्टाफ है, अब कोई कहते हैं कि हमको जो परीक्षा केंद्र पर बताया गया, कोई कहते हैं कि हमको कॉलेज में बताया गया, कोई कहीं कुछ कहते हैं, तब इस पर जो है क्या कहिएगा या तो। अच्छा, ऐसे कितने छात्र हैं सर ये जो हैं? देखिए, अब अभी जो छात्र यहाँ थे अनुमान कर सकते हैं कि सभी उससे प्रभावित हैं, कोई संख्या गिनती करके नहीं है, लेकिन अनुमान करता हूँ कि यहाँ करीब 100-150 के आसपास छात्र रहे होंगे। ऐसा सभी जिलों में हुआ है कि केवल दरभंगा में? अन्य जिलों से कोई सूचना मुझे अब तक प्राप्त नहीं है। सर, विद्यालय अपना रुख स्पष्ट करे, छात्रों की भविष्य की बात है, जो छात्रों की समस्या है और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये नीति है, समस्या छात्रों के साथ होती है। मैं मनोज बाबू का दिया कि ये छात्र हित में ही फैसला लिया जाएगा, छात्र सफर नहीं होंगे,
इतना तो क्या आज तिथि के तिथि की घोषणा हो जाएगी कि परीक्षा कब होगी इन लोगों की? आज तो जब आप हम माननीय कुलपति महोदय से बात करते हैं, यदि परीक्षा बोर्ड की तिथि निर्धारित हो जाती है अर्जेंट में भी तो हो जाएगी। दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन लहरिया सराय में धरना स्थल पर किया गया। इनका मांग था कि जल संकट दूर करे, गेहूं क्रय केंद्र चालू करने, बंद पड़े सभी सरकारी बोरिंग चालू करने, निर्वाचन प्राधिकार द्वारा फसकों से चुनाव के नाम राशि वसूली करने की आदेश वापस लेने, पगरी के गरीबों को वासगीत पर्चा देने, बहरी प्रखंड के अगधारा गांव में महादलित पर हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी मांग को लेकर के किसान सभा ने समरणालय स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। सभा की ओर से राज्यव्यापी किसान काउंसिल के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम बताना चाहते हैं जो दरभंगा जिले में जल संकट है, कई महीने से पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। भारी जल संकट के चलते आम लोग आज परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक गेहूं क्रय केंद्र चालू नहीं हुआ है। किसान बटाईदार औने पौने दाम पर आज गेहूं बेचने के लिए विवश हैं। राज्य सरकार ने घोषणा किया जो हम गेहूं 1850 रुपये के दर से किसानों का हम खरीद करेंगे, लेकिन कहीं क्रय केंद्र शुरू नहीं है और जिसके चलते किसान आज औने पौने दाम में गेहूं बेच रहे हैं। दूसरी ओर यहां पघारी के गरीब बैठे हुए हैं, बरसों से ये जमीन पर सरकारी जमीन पर घर बनाए हुए हैं। ये दलित आयोग जो है उसके माध्यम से दरभंगा जिला कलेक्टर को पर्चा देने के लिए स्वीकृति किया गया है, लेकिन आज बहेरी के अंचलाधिकारी आज उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जो नीतीश के सरकार लगातार गरीबों को जमीन देने की बात करती है, लेकिन आज नीतीश के राज में बड़े पैमाने पर गरीबों को उजारा जा रहा है। दलितों पर हमले हो रहे हैं, कमजोर वर्गों पर हमले हो रहे हैं और हमलावार छुट्टा घूम रहा है। आज हम धरना के माध्यम से दरभंगा जिला के प्रशासन से मांग करने आए हैं जो दरभंगा जिला में जो कृषि ये पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जल संकट है, उसको दूर कीजिए। अभी आए थे सुबह के प्रधान सचिव, लेकिन हम कहना चाहते हैं जो आज जल नल योजना बड़े पैमाने पर लगाने की बात अखबार और टीवी में आया, लेकिन शहर जमीन पर जल नल योजना लगाया नहीं गया है। जल नल योजना में भयंकर लूट है, गरीबों को आज बड़े पैमाने पर उसमें भी गरीबों से पैसा ठगा जा रहा है। अभी आपने देखा जो अहिला के लोगों ने शिकायत किया जो हमको इसके नाम पर मोटी रकम ली गई है प्रधान सचिव के सामने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम दरभंगा जिला के प्रशासन से मांग करते हैं जो तमाम पंचायतों में सरकारी चापाकल लगाइए, सरकारी बोरिंग जो बंद है, आज सरकारी नलकूप बड़े पैमाने पर दरभंगा जिला में बंद है, उसको चालू करने का कोई प्रयास नहीं हो रही है, कोई कोशिश नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हम यहां धरना प्रदर्शन किए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जो अविलंब क्रय केंद्र चालू हो, जल संकट दूर हो, पघारी के लोगों को बासगीत का पर्चा मिले, इन्हीं मांगों को लेकर आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन है। बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड के दरभंगा यूनिट द्वारा 2 जून रविवार को होने वाले वसीर वार्षिक उत्सव के पूर्व संध्या पर रैली का आयोजन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दरभंगा यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दरभंगा यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद। एक्चुअली हम लोगों का संगठन है वो बिहार और झारखंड लेवल पे जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय हैं वो सारे हमारे मेंबर हैं। कल हम लोगों का वार्षिकोत्सव होने जा रहा है, उसके पूर्व संध्या पे हम लोग आज दरभंगा लहरिया सराय में एक शानदार रैली का आयोजन किया है। हम लोगों का बिहार झारखंड लेवल में 32 यूनिट काम करता है, लगभग जितने भी जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमारा यूनिट है और सारे जगह से सारे यूनिट से लोग इन्वाइटेड हैं जो कल हमारे वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। यहाँ के शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, चाहे SP हो, DM हो, BCDA के अध्यक्ष हो,
आई एम ए के अध्यक्ष है, सारे लोगों को हमने कल इन्वाइट किया है और कल हमारा शानदार प्रोग्राम जो है बी सी डी ए के ऑफिस में हम लोग मनाने जा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है, हम बी पी एस आर ए के ट्रेजरर हैं। हम लोग बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से हैं। हम लोग का वार्षिक उत्सव कल है, उसी से एक दिन पहले हम लोग रैली निकाले हैं, बाइक रैली निकाले हैं जो कि पूरे दरभंगा लहरिया सराय में बाइक रैली करके फिर हम लोग सब कोई एकत्रित होंगे कर्पूरी चौक पे। हम लोग अपने संगठन का स्ट्रेंथ को ये करते हैं मार्केट में। कितने साल से मना रहे हैं ये बात? ये एक्चुअली हम लोगों का संगठन जो है, ये संगठन 34-35 साल से चल रहा है। क्या नाम हो सर? ये मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सिंह, हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बिहार झारखंड के।